4000 मदरसे ऐसे हैं जिन पर एक्शन की तलवार लटक रही है। विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग वाले जो भी मदरसे हैं उन पर जल्द ही एक्शन हो सकता है। हीरो वाजपेयी भी लगातार बने हुए हैं, अमित जमई हैं और साथ ही मौलाना शमशेर आजम भी हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, आपने सुना ब्रेक से पहले अमित जमई ने बहुत सारे आरोप भी लगाए आप पर और बहुत सारे सवाल भी आप लोगों से किए कि आप मदरसों की स्थिति को सुधारिए, ठीक है आप सर्वे करवा रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ मदरसे ही नहीं बल्कि आप और अन्य धर्मों के स्कूलों में भी जाइए, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में ध्यान दीजिए, टीचर्स का वेतन वहाँ पर नहीं मिल रहा है, उसको लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही है और जानबूझ करके एक एजेंडे के तहत आप ये मदरसे के पीछे पड़ गए। देखिए, अमित जमई जी ने खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को परेशान कर रही है। मुझे लगता है किसी भी जांच एजेंसी के नियमानुकूल जांच करने को एक धर्म विशेष से जोड़ना मुझे लगता है बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और जहां तक ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को परेशान कर रही, मुझे लगता है कि अब इनके हाथ से इनका अपना वोट बैंक छिटकने लगा है। चुनाव दर चुनाव अखिलेश जी चुनाव हारते जा रहे हैं, मुसलमानों का विश्वास भी अखिलेश जी ने जो अपने पिताजी के ज़माने में उधार कर लिया था वो भी चुक गया है। इसलिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप सपा प्रवक्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ेगा, उसमें अमित जमई साहब मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के वोट से ही सरकारें बन रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले नहीं बनी और आज के बाद नहीं बनेंगी, इसलिए वो मुख्य धारा में हैं। जो चीज़ों की कमियाँ हैं या जो संस्थाएँ नियमों का पालन नहीं करेंगी या जो लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेलेंगे, विदेशी पैसे का प्रयोग करेंगे, विदेशी शक्तियों को यहाँ बढ़ावा देंगे, ऐसे कोई भी संगठन हो, चाहे वो शिक्षा के संगठन हो और चाहे अन्य तरह की एनजीओ, सब पे सरकार कड़ाई कर रही है। नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार में इस तरह के तत्वों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा जो शिक्षा की आड़ में इस तरह का काम करे। बाकी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ स्वागत है, जो मदरसे लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, आगे आने वाली हिंदुस्तान की नई नस्ल तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। जो संदिग्ध है, जो सशंकित है, जो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आप ये कह रहे हैं कि उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा, कुछ पर लिया जा रहा है कुछ पर लिया जाएगा, ये बात आप कह रहे हैं। अमित जमई जी, 8000 से ज्यादा जो मदरसे ऐसे हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, अवैध तरीके से चल रहे हैं, उन पर एक्शन होता है तो आप इसको सही मानते हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं? और साथ ही जो 4000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें फंडिंग खाड़ी देशों से हो या फिर अलग अलग जगहों से हो, अगर गलत तरीके से फंडिंग हो रही है उन पर एक्शन लिया जाता है तो सही है कि नहीं है? देखिए, जिन मदरसों की आप बात कर रही हैं जो गलत तरीके से काम चला रहे हैं, नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है, इस बात को आप समझिए ना। कर्नाटका में इन्होंने हिजाब और लव जिहाद जितने तजर्बे करने थे मुसलमानों के खिलाफ, इन्होंने तजर्बे किए और कर्नाटका के लोगों ने बीजेपी आरएसएस का जो अरमान था वो ठंडा कर दिया, लेकिन अभी भी इनको ये सीख नहीं पा रहे। देखिए, बहुत ही गरीब पसमानदा मिस्कीन बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और ये जितने स्कूलों का नाम आप बता रही हैं, अगर शैलेश जी एक वीडियो दिखा देना तो आपको शर्म आएगी कि ये दो कमरे के टूटे फूटी मड़िया है, ऊपर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कोई मां नहीं है। जो सर्वे हुआ है अमित जमई, उस पर भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, ये पूरा जो सर्वे का एजेंडा ही था वो पोलराइज करके बेसिकली क्या है, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बहस ना हो, तो मुसलमानों को परेशान करिए जिससे हिंदू खुश रहे कि चलो मुसलमानों को तो टाइट कर रखा है, लेकिन टाइट तो पूरा उत्तर प्रदेश हो गया है। आप देखिए ना, अभी बीच में शैलेश बताएंगे आपको कि लखनऊ में जब शिक्षकों की भर्तियों को लेकर आंदोलन हुआ, इनके मंत्रियों को क्यों घेरा गया, हजारों। लेकिन जो मदरसे गलत तरीके से चल रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाता है तो उससे तकलीफ क्या होनी चाहिए? वो हमारे वो स्कूल हो, संस्कृत विद्यालय हो, संस्कृत विद्यालयों में भी अगर कुछ गलत होता है तो हीरो वाजपेयी कह तो रहे हैं कि वहां पर भी एक्शन लेने को सरकार पीछे नहीं हटेगी, इससे इसमें गलत क्या है? शमशेर आजम जी, ठीक है अमित जमई जी, वक्त की कमी है सर, माफी के साथ वक्त की कमी है। शमशेर आजम जी, अगर इन पर एक्शन लिया जाता है, शमशेर आजम जी, 4000 मदरसे जहां पर फंडिंग गलत तरीके से हो रही है और 8000 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, संतुष्ट हैं, ठीक है ये जो होगा? देखिए, इस पर हम टिप्पणी हमारी यही है कि अगर मदरसे में, पहले तो कोई गलत फंडिंग नहीं आती मदरसे में, हमने अभी बताया आपको कि मदरसे सिर्फ ज़कात और फितरे की रकम से इदारे चल रहे हैं,
और मदरसे में गरीब तबके के बच्चे जी बेसहारा बच्चों को उन्हें खाना पीना रहाइश तालीमात हर चीज़ उनको पूरी तरीके से मुहैया कराया जा रहा है। हमें अपनी प्रशासन से यह दरख्वास्त करना है कि उनको अगर सर्वे कराना है तो गुरबत और मुफलिसी पर सर्वे कराएं। हमारे हिंदुस्तान में इतनी बेरोज़गारी है, इतनी परेशान हाली है, लोग हाई क्वालिटी की डिग्रियां लेके नौकरी के लिए परेशान हैं। बेरोजगारों की वक्त की कमी है सर, मैं आपके साथ रोक रही हूँ। शुक्रिया आपका, और हीरो वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया, अमित जमई आपका भी शुक्रिया, और शैलेश आपका भी शुक्रिया। तो 4000 मदरसे जो कहा जा रहा है फंडिंग गलत तरीके से हो रही है, उन पर भी एक्शन की बात सामने आ रही है, और 8000 मदरसे जहां पर गैर मान्यता प्राप्त जो पाए गए हैं सर्वे में, उन पर भी एक्शन लेने की तैयारी सरकार कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।